Morning, dear students. I hope you will be fine at your home. In this pandemic time, we will start some online sessions so that your study will be continue at your home. This is my first video for class 6 subject mathematics. Firstly, I introduce about books and how to maintain notebook on self. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले आपको एक बुक जो क्लास 6 के लिए प्रीफेबल है उसको आप परचेज करना है आपको स्टेशनरी से. सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट्स ये मैंने शो किया है, आप देखें इसको, डिस्कवरिंग मैथमेटिक्स. आपको इस बुक्स में कंसेप्ट जो मेथड्स हैं चैप्टर वाइज वो इलुस्ट्रेट किए हुए हैं एंड जो एक्सरसाइज है वो टू पर्टिकुलर शीट्स में, जो अदर बुक्स हैं टू पर्टिकुलर शीट्स में, उसमें आपको शो किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो इसके चैप्टर्स हैं उनके मेथड्स को सीखेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड फिर देन शीट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम. एंड इन दिस चैप्टर्स वी आर गोइंग टू लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस. And in this chapter, first of all, you open the book and see here. First topic is place value. Students, मैं आपको जो book है आपकी book में जिस तरीके से topic आपको show किया हुआ है इसको मैं explain करते चलूँगा. Okay, students? और फिर आप देखेंगे कि सर मेरे जो जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको शो किया है विद एग्जांपल, उसकी हेल्प से आपके जो वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस आप खुद ही सोल्व कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और आपकी क्या हो जाएगी, उस पर कमांड इंक्रीज हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. टू टाइप्स वैल्यूज होती हैं, आप माइंड में इसको कंसीडर करें. फर्स्ट इज फेस वैल्यू, सेकेंड इज प्लेस वैल्यू. ओके, आपको रजिस्टर में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम ये आपको राइट डाउन करना है. उसके बाद आपको फर्स्ट टॉपिक मेंशन करना है स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. एंड फेस वैल्यू में स्टूडेंट्स आपको, फेस वैल्यू में स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन मेंशन करना है. जो मैंने डेफिनेशंस आपको यहाँ मेंशन की हुई है, फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ. अगर कोई आपको नंबर दिया हुआ है लाइक फेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर, आपको ये पूरा नंबर दिया हुआ है, आपको नंबर कैसे रीड आउट करना है, रीड आउट करना आता है आपको वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, लेग, आपको पता है. तो आपको स्टूडेंट्स ये पता चला कि सर इस नंबर को आप वर्ड्स में बोलोगे किस तरीके से. ओके, 1,95,263, ये तो सर पूरा का कंबाइंडली नंबर है. और सर इसमें से आप ओनली 2 जो डिजिट है उसकी आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, फेस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो स्टूडेंट. तो फेस वैल्यू की जो डेफिनेशन आपको सजेस्ट की बोल रहा है, डेफिनेशन में बोला गया है कि फेस वैल्यू कुछ नहीं होता, सेम जो डिजिट है वो सेम ही डिजिट की जो इटसेल्फ वैल्यू है वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है. आप इसको एक स्मॉल एग्जांपल से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, आप घर पर मिरर में जब भी अपना फेस देखते हैं तो आपको सेम अपना ही फेस नजर आता है. इस तरीके से आप फेस वैल्यू के लिए क्लियर रहें कि जो जिस डिजिट की अपन को फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डिजिट ही उसकी फेस वैल्यू होगा. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अब मैंने एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है. फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर, ये पूरा नंबर है. अब आप इस नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट करना आना चाहिए. कैसे रीड आउट करते हैं, टेक अ लुक, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख, दैट्स मीन्स कोमा कहाँ आएगा, यहाँ पर 1 लेख, फिर उसके बाद कहाँ कोमा आएगा स्टूडेंट, 63,548. ये तो सर पूरा एक नंबर है लेकिन आपको सिर्फ 8 डिजिट की फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और 8 डिजिट को अगर आप मिरर के इन फ्रंट में रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, तो आप देखेंगे मिरर में आपको क्या होगा, सेम 8 डिजिट ही आपको शो होगा स्टूडेंट. दैट्स मीन्स 8 की जो फेस वैल्यू है सेम एज इट इज
8 होगी, दैट इज क्लियर। फेस वैल्यू का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। फेस वैल्यू मीन्स सर ये तो सेम जो सा डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वो डिजिट ही होगा, ओके कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसीड प्लेस वैल्यू। अब सर प्लेस वैल्यू का सर जो नेम है वो आपको सजेस्ट कर रहा है, प्लेस मीन्स सर ये कुछ ना कुछ पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा, किसी प्लेस पर है, तो यानी आप डिजिट को किसी प्लेस पर आप रिप्रेजेंट करोगे कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर ये डिजिट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, यानी कि अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं और समझते हैं स्टूडेंट। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड अपॉन इट्स फेस वैल्यू। स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू पर डिपेंड करती है, एंड द प्लेस वैल्यू इट ऑक्यूपाई इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आप बोलोगे सर प्लेस वैल्यू चार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लेस वैल्यू चार्ट को एक्सप्लेन करें कि उसमें कौन कौन सा डिजिट किस किस पोजीशंस पर क्या क्या वैल्यू होल्ड करता है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट आपको शो किया है, आपको नोटबुक में इसी तरीके से चैप्टर नंबर फर्स्ट को राइट डाउन करना है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू चार्ट में जो मैंने यहाँ पर जीरो लिखा है, दैट्स मीन्स वंस, वंस का मैंने फर्स्ट लेटर लिया है, जैसे टेंस का मैंने फर्स्ट लेटर टी, हंड्रेड का फर्स्ट लेटर एच और थाउजेंड का टू लेटर टी एच और टेन थाउजेंड का टी टी एच, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है वंस के नीचे मैंने वन, टेंस के नीचे टेन और हंड्रेड के नीचे मैंने हंड्रेड डिनोट किया। ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ शो किए हुए हैं स्टूडेंट्स ये सब क्या है, जो ये पोजीशंस हैं वंस टेंस इनकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। आपसे पूछा जाएगा वंस की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर वन होगा। टेंस की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे टेन होगी सर। और हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे हंड्रेड होगी सर। ओके दैट इज क्लियर। अब क्या करना है, किसी भी डिजिट की अगर आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ शो किया है स्टूडेंट्स। आप देखें फेस वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, आपको टू की सपोज करें, मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड में इसको कंसिडर करें कि सर आप क्या करोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो आप फेस वैल्यू को लोगे, उस डिजिट की फेस वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई, यानी वो डिजिट जिस प्लेस पर अपनी पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है, लाइक वो आपका टेंस प्लेस पर है तो आप टेन से मल्टीप्लाई कर दोगे उस डिजिट की फेस वैल्यू को, अगर वो हंड्रेड प्लेस पर लाई कर रहा है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स में इस प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है इसको विद एन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू ऑफ, स्टूडेंट्स मैंने आपको एन एक एग्जाम्पल, मैंने आपको एक नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर को रीड आउट करना जरूर सीखें। मैंने इसके ऊपर देखो इसकी पोजीशंस जो होल्ड कर रहे हैं नंबर, वहां पर मैंने पोजीशंस शो की है स्टूडेंट्स। लाइक फाइव आपका क्या है, वंस प्लेस पर है, फोर आपका टेंस, सिक्स आपका हंड्रेड और टू आपका थाउजेंड और थ्री आपका टेन थाउजेंड प्लेस पर लाई कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड आउट करते हैं, टेन थाउजेंड मीन्स क्या हो जाएगा आपका 32,645। 32 के बाद आप क्या करोगे, कोमा इंसर्ट करोगे, ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, आपको कोमास और नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना, इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। अब स्टूडेंट्स क्या है, आपको सबसे पहले मैं इस जो नंबर है इसमें सारे जितने भी डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, फाइव डिजिट्स हैं, इन सभी डिजिट्स की पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें मैं स्टेटमेंट जो सेंटेंस है वो कौन सा यूज करता हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट फाइव। सबसे पहले वंस पीछे से अपन प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बैकवर्ड साइड से, तो आप देखें फाइव कौन से प्लेस पर होल्ड हो रहा है, वंस प्लेस पर है सर, तो आप फाइव की आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो मैंने क्या बोला था, फाइव डिजिट की फेस वैल्यू देखें, तो आप बोलोगे सर फेस वैल्यू तो क्या होती है सर, फाइव ही होगी, उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, देखें आप फेस वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई। तो देखें कौन सी वैल्यू किस प्लेस पर ऑक्यूपाई कर रहा है, वंस पर, और वंस के लिए चार्ट में देखें आप फेस वैल्यू कितनी है, वन, तो आप फाइव को किससे मल्टीप्लाई करना हुआ, वन से मल्टीप्लाई करना हुआ, फाइव वन सा फाइव, इसी तरीके से सेम एज इट इज ही फोर है। अब आप बोलेंगे फोर की फेस वैल्यू तो सर फोर ही होगी सर, आपने टेन से मल्टीप्लाई क्यों किया है, अरे बेटा टेन क्या है, टेन उसकी क्या है, प्लेस होल्डिंग पोजिशन है जिस पर वो ऑक्यूपाई कर रहा है, फोर क्या कर रहा है, टेंस प्लेस पर लाई कर रहा है, दैट्स मीन्स मैं उसकी फेस वैल्यू को टेन से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम एज इट इज जब मैं सिक्स पर मूव
करता हूँ तो आप 6 देखें वो 100 प्लेस पर है, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 होगी सर सेम एज इट इज, लेकिन सर उसकी जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है वो 100 प्लेस पर है, दैट्स मीन्स आपको 6 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से, दैट्स इक्वल टू 600 क्या हो जाएगा इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी तरीके से जो अदर डिजिट हैं 2 एंड 3 इनकी फेस वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने सिमिलर वे में फाइंड आउट की है। ओके स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको क्वेश्चंस में नंबर दिया होगा और पर्टिकुलर कोई डिजिट होगा जिसको एन सर्किल करेगा क्वेश्चंस में, या फिर उसको क्या करेगा मार्क करेगा और पूछेगा कि इस डिजिट की आप फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे क्योंकि मैंने आपको फुल्ली इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। अब स्टूडेंट्स सेकंड जो टॉपिक है आपका, बुक ओपन करेंगे आप तो आपको सेकंड टॉपिक शो होता है कि सर सेकंड टॉपिक है आपका, आप देखें एक्सपेंडेड फॉर्म, आपका एक्सपेंडेड फॉर्म शो किया हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से शो करते हैं सर, कुछ भी अपन को जो नंबर दिया होगा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर अपन को एक्सपेंडेड फॉर्म पहले से दिया हुआ है और उसको न्यूमेरल फॉर्म्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखें आप, टेक एन एग्जाम्पल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 32,645, मैंने एक नंबर लिया है, मैं आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर कर शो करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में कि सर एक्सपेंडेड जो फॉर्म है वो बहुत इजी है। कुछ नहीं स्टूडेंट, आपने देखा कि सर आपने क्या किया है, सर जो आपने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की है ना सर, उन्हीं को आपने प्लस का साइन इंसर्ट कर कर वो राइट डाउन कर दिया है, तो आपको भी यही करना है स्टूडेंट, इतना सही है बस, और कुछ भी नहीं है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता है 5 है, तो आपको पता चला सर 5 वंस पड़ता और 5 की सबसे पहले फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 होगी, और उसकी प्लेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है वंस पर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में देखो, मैंने आपको 5 को 5 प्लस 40, 40 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 जो है वो 10th प्लेस पर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 40 हो जाएगी। आपने ऊपर जो एग्जाम्पल है, प्रीवियस एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने इन सभी जो डिजिट है उनकी आपने क्या किया, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की है, तो उन्हीं प्लेस वैल्यू को एक प्लस साइन में, प्लस साइन इंडिकेट करते हुए उनको एक सीक्वेंस में लिखना ही आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट। अब आप बोलेंगे सर इसको दोबारा आप, अब आपको क्या क्वेश्चंस दो तरीके से देते हैं बुक्स में, या तो आपको एक नंबर दिया होगा उसको पहले तो आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके फिर प्लस साइन मर्ज कर एक्सपेंड करना होगा, या फिर क्या हुआ आपको ये डायरेक्टली प्लस साइन मर्ज कर एक्सपेंडेड फॉर्म आपको शो की होगी और आपको न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो कुछ नहीं है, नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, ये जितना भी प्लस साइन दिया हुआ है इन सभी को एक कॉलम वाइज जो एडिशन होता है उस तरीके से एडिशन करेंगे और आपको क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट आपको नंबर फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सिंपल है ना, बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म का कंसेप्ट बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आपके बुक में टॉपिक है रिप्रेजेंट ऑफ अ लार्ज नंबर, यानी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो लार्जर नंबर होते हैं, देखें आप इस साइड में आपको शो किया हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर नंबर्स, यानी लार्जर जो नंबर है सर उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आप टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को फॉलो करते हो, आपको पता है फर्स्ट कौन सा सिस्टम होता है, आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये यहाँ पर आपको पूरा चार्ट शो किया हुआ है, इस चार्ट को आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है और किस तरीके से करना है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद देखें आप, सेकंड आपका सिस्टम में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसको भी आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है, आपको पता है ये आपको प्रीवियस क्लास में आपको रिमेम्बर है और आपको प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक तरीके से रिकैप सेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज इट। स्टूडेंट्स अब आपको किस तरीके से नोट डाउन करना है वो आपको जो वे है तरीका वो मैं यहाँ पर इलुस्ट्रेट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको टॉपिक मेंशन करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर नंबर, ये आपको लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको एक सेंटेंस, देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट लार्जर नंबर, यानी लार्जर नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, फर्स्ट इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को आपको क्या करना है, इसका जो चार्ट है वो ड्रॉ करना है, ये आपका एच डब्ल्यू वर्क है, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है एच डब्ल्यू, दैट्स मीन्स आपको खुद ब खुद
अपना चार्ट ड्रॉ करना है। चार्ट कौन सा ड्रॉ करना है मैं आपको शो कर देता हूँ, ये चार्ट ड्रॉ करना है, पेज नंबर आपको 10 पे मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आप पेज नंबर 11 पर मूव ऑन करेंगे तो आपको अपवर्ड ऊपर की साइड में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट भी मिलेगा, उसको भी आपको राइट डाउन करना है यहाँ पर, ये भी आपका HW वर्क है। अब आपको ये रिमेंबर भी होने चाहिए स्टूडेंट्स, वैसे जनरली आप बच्चों आपको रिमेंबर रहते हैं, मेरे को पता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सभी जितने भी बच्चे हैं उनको इजीली नोन है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा कुछ बच्चों को नहीं आता, तो वो भी उसको क्या करें, उसको रिमाइंड करें, उसको आप लर्न करें थ्रू अ चार्ट जो आपको बुक में मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट सेकेंड इज कंपेरिजन ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये टॉपिक है आपका जो आपको बुक में शो किया हुआ है कंपैरिजन। इस चार्ट में स्टूडेंट्स शो किया हुआ है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इनके बीच क्या कॉम्बिनेशन होता है, इनके बीच क्या कंपैरिजन है, तो अपन टेक अ लुक समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें वंस है सर, इसमें भी वंस होता है, इंडियन में भी इंटरनेशनल में भी वंस होता है, सेम। आप देखें टेंस, टेंस भी सेम, हंड्रेड, हंड्रेड भी सेम सर। उसके बाद देखें आप 1000 और 1000 यहाँ भी सर सेम है, इसके बाद 10,000, 10,000 यहाँ भी सर सेम है, 1 lakh, 1 lakh इंडियन में क्या होता है 1 lakh, और देखो यहाँ क्या हो रहा है इंटरनेशनल में क्या हो रहा है 100,000, यानी कि 1 lakh जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1 lakh होता है उसको अपन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या बोलते हैं 100,000 बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये भी आपका HW वर्क है, इसको आपको हेडिंग राइट डाउन करके इस जो पूरा चार्ट है बुक में से इसको चार्ट को यहाँ राइट डाउन करना है और कंपैरिजन को समझना है कि सर यहाँ पर कंपैरिजन आपने शो किया, फिर उसके बाद आप 10 lakh पर गए सर, 10 lakh को इंडियन जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें सर 1 million बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो जो आपकी इसके बाद 1 crore पे जाओगे तो उसको 10 million बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको जो इसके वर्ड्स हैं इसको आप नोन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सर 10 lakh है, 10 lakh इक्वल टू 1 million होता है सर इंटरनेशनल सिस्टम में, इसलिए आपको दोनों चार्ट जो हैं इंडियन और इंटरनेशनल जो चार्ट हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम के वो आपको लर्न होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आपको प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है लार्जर नंबर को रिप्रेजेंट करने के इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम बोथ ऑफ क्लियर। स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब आप बोलेंगे सर ये आपने क्लियर तो हुआ है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, एकदम जनरल थिंग्स है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको क्या हुआ है समझा है और आपकी इस पर बहुत अच्छी कमांड है, इस बात को मैं जानता हूँ। स्टूडेंट अब क्या करना है, आपको ये नंबर दिया होगा और इस नंबर में क्या होगा, आपको बोलना होगा सर इसको वर्ड्स में किस तरीके से बोलेंगे। तो आपको देखो मैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड आउट करना बताता हूँ, आपको कहना वंस, टेंस, हंड्रेड, ओके, थाउजेंड, 10,000, लेख, 10 lakh एंड 3 crore। तो आपको पता चला सर करोड़ है, सर करोड़ में सर यहाँ कोमा आया, सर ये कोमा किस तरीके से आ रहे हैं, तो कोमा कुछ नहीं है स्टूडेंट, जिस आप जैसे ही प्लेस वैल्यू सिस्टम आप ड्रॉ करेंगे चार्ट तो आप देखेंगे चार्ट को जो ड्रॉ किया हुआ है उसमें अलग अलग पोर्शन शो किए हुए हैं, ये पोर्शन इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपको 100 तक है तो 100 डिजिट जहां पर आपका खत्म होगा और जहां से आपका 1000 डिजिट स्टार्ट होगा वहां आपको कोमा लगाना है, अगर आपको 10,000 तक डिजिट दिया गया हो तो। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से जो प्लेस वैल्यू आपको सिस्टम का जो चार्ट शो किया हो उसी वही तरीका है कि आपको कोमास क्या कर रहे हैं इंसर्ट करने हैं स्टूडेंट। ओके, अब देखें आप मैंने यहाँ पर 3 crore है, 3 crore तक दिया, काउंटिंग स्टार्ट हुई है पीछे, अगर जब मैंने काउंट किया है प्लेस वैल्यू होल्ड करिए तो 3 जो है वो करोड़ वाली जो आप उसकी प्लेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं बोलूँगा 3 crore, 56 lakh, 24,000, 598। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो वर्ड्स में लिख सकते हो और आप बोल सकते हो, अगर कुछ कोई आपसे पूछे कि ये नंबर कितना लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म में बोल सकते हो कि दिस नंबर इज 3 crore 56 lakh 24,598। ओके स्टूडेंट, सेम एज इट इज यही कंसेप्ट आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए अप्लाई करना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, टेक अ लुक, आपको यहां दिया हुआ है वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड के बाद आप बोलोगे हंड्रेड के बाद आपका क्या आता है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 100,000, थाउजेंड्स के बाद 100,000 और उसके बाद जैसे वहां पर क्या होता था अपना, वहां पर जैसे 10 lakh होता था तो यहां
इसमें क्या हो जाता था 1 मिलियन। तो आपको पता चला सर 5 इक्वल टू क्या होता है 1 मिलियन, लेकिन सर 3 जो होता है वो 10 मिलियन हो जाएगा। तो 10 मिलियन का जो केस होगा तो अपन इसको किस तरीके से बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन स्टूडेंट्स अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आपको इसको सेंटेंस के फॉर्म में राइट डाउन करना होगा तो आप किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब आप देखें, एक्सप्लेन करता हूँ इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। आप बोले वंस सर, ये वंस पर लाई कर रहा है सर, टेंस पर, ओके सर, 100, ओके सर, ये क्या होगा आपका 1000, 10000, 6 कहाँ लाई करेगा 100000 पर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आप देखें 5 सर मिलियन पर, सर 1 मिलियन पर, सर 3 ये 10 मिलियन पर। दैट्स मीन्स आपको क्या होना लेना पड़ेगा 35 को एक साथ काउंट करना होगा, क्योंकि आपको पता है 10 मिलियन के केस में क्या होता है, आपको 35 के बाद आपको कोमा इंसर्ट करना होगा। आप इसको किस में देखेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो आपका चार्ट है उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोमास का किस तरीके से सीक्वेंस होता है स्टूडेंट। तो आप इसको किस तरीके से रीड आउट करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, 35,624,598, that is okay students, I repeat this again, 35,624,598, okay student, now move on second topic, students अब आप देखें आपको यहाँ practice zone में show किया हुआ है और आपको number दिए हुए हैं, इन पर आप घर पर क्या करें rough जो आपकी कॉपी है उसमें प्रैक्टिस इंक्रीज करें। ओके वही कंसेप्ट है, सिंपल सा मैंने आपको बोला, आपको बैक साइड से राइट आपको रीड आउट करना है वंस टेंस हंड्रेड इस तरीके से, सेम इन केस ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सेकंड टॉपिक इज स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ अ लार्जर नंबर। अब सर क्या होता है सर, कंपैरिजन कैसे करते हैं, लार्जर नंबर होते हैं उनको लार्जर नंबर पता तो चल जाते हैं कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो उसके लिए स्टूडेंट थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेशन साइंस हैं जिनका यूज करते हैं। आपको पता होगा आपने प्रीवियस क्लास में इसकी स्टडी करी है, आपका होता है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो आप उनके बिटवीन में साइन इंसर्ट करते हैं इक्वल टू, जिसको आप इक्वल्स टू भी बोलते हैं, और आप ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन इंसर्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल है उसके थ्रू जो आपको बुक में ही दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखें, आप पेज नंबर 14 पर जाएं और पेज नंबर 14 पर आपको प्रैक्टिस जोन 3 दिया हुआ है। प्रैक्टिस जोन 3 में देखें स्टूडेंट, आपको फर्स्ट है आपको नंबर दिए हुए हैं, अब नंबर के बिटवीन में मैंने पहले से साइन इंसर्ट किया हुआ है। अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा ये साइन किस तरीके से मैंने इंसर्ट किया है। आप देखें स्टूडेंट, मैं फर्स्ट नंबर को रीड आउट करता हूँ वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ओके लेख, उसके बाद 10 लेख। अब 10 लेख हो गया, अब मेरे को पता चल गया 85 लेख है और 60,000 है और 4 है। ओके एक नंबर तो क्लियर हो गया। सेम एज इट इज मैंने सेकंड नंबर रीड आउट किया वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख 10 लेख, तो मेरे को पता चला 96 लेख 40,007, यानी कि 96 लेख है और ये क्या है आपका 85 लेख, यानी कि ये बड़ा है, जो बड़ा है नंबर उसकी तरफ से माउथ ओपन कर देंगे और ये साइन इंसर्ट कर देंगे, दैट्स नोन एज ग्रेटर देन साइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर बड़ा है। ओके तो इस तरीके से आप माउथ ओपन कर देंगे, इस साइन को आप कंपेरिजन साइन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको देखो सेकंड नंबर में आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, एक और नंबर शो किया हुआ है। अब आप बोलेंगे यहाँ सर इसको रीड आउट करें, इसको भी आपको सेम वे में ही रीड आउट करना है स्टूडेंट्स, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख 10 लेख, 4 किस पर आ गया करोड़ पर, तो आप बोलोगे 4 करोड़ 37 लेख 84,176, और सर दूसरा नंबर राइट डाउन करा तो सर उसको हमने रीड आउट कराया तो वो आया 4 करोड़ 37 लेख 48,136। आपको पता चला सर फर्स्ट नंबर इंक्रीज है, बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि सर यहाँ पर तो 84,000 है और सर यहाँ पर मात्र कितना है 48,000 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसकी तरफ माउथ ओपन कर देंगे। ओके और जो छोटा नंबर है उसकी तरफ आप क्या करते हो, ये एरो साइन इंसर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर नंबर दोनों इक्वल टू होते तो आप क्या करते, बीच में इक्वल टू का साइन इंसर्ट करते। इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिससे आप अवेयर हो चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको शो किया हुआ है, देखो यहां पर आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे। अब आपको वैसे एडिशन करना तो आता ही है, एडिशन करना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको एक रिकैप सेशन है प्रीवियस क्लास का तो मैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ दोबारा से। आप देखें स्टूडेंट्स, आपको कॉलम में नंबर इंसर्ट करने हैं,
ये कॉलम में स्टूडेंट्स क्यों सिखाया जाता है? आप सोचें कि सर ये इस तरीके से कॉलम में इंसर्ट कर हमें नंबर्स का एडिशन करना क्यों बताया जाता है, हमें तो वैसे ही आता है, हमें कॉलम वंस टेंस हंड्रेड ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो बड़े बच्चे हैं। स्टूडेंट्स आपको शो इसलिए किया होता है कॉलम वाइज प्लस करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, अपन किसी भी नंबर को रीड आउट कहाँ से करते हैं, बैकवर्ड साइड से, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड इस तरीके से, तो आप उसको क्या करो रिटर्न भी उस साइड से ही करो, और उस साइड से क्या करो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन जितने भी ऑपरेशन होंगे सब आपके बैकवर्ड साइड से ही मैथमेटिक्स में ऑपरेट होते हैं स्टूडेंट। दैट्स व्हाई आपको बोला जाता है कि आप कॉलम वाइज इसको मेंशन करें, ताकि आपसे क्या हो मिस्टेक नहीं हो। अगर आप आगे से नंबर लिखना चालू करेंगे तो कुछ नंबर छोटा है और कोई नंबर क्या है बड़ा है, तो उसका क्या हो जाएगा सीक्वेंस क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपको? इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, आपने देखा है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को भी इन्होंने क्या करा है कॉलम वाइज इंसर्ट किया है, आप भी कॉलम वाइज करें ताकि आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज हो। और स्टूडेंट्स अगर आपको मिस्टेक से बचना है और आपको कॉलम वाइज भी नहीं करना है, तो सबसे सिंपल वे है कि मैथमेटिक्स में जो भी सब्ट्रैक्शन जो भी सब यानी सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हुए डियर स्टूडेंट्स, वो आपके बैकवर्ड साइड से होंगे। लाइक आप देखें यहाँ से ही आप क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, आपको पता है वन है सेवन है, सर वन वन में से सेवन तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, आप यहाँ से क्या लेंगे बोरो लेंगे, बोरो लेते ही इलेवन हो जाएगा, इलेवन होते ही सेवन में, इलेवन में से सेवन सब्ट्रैक्ट होगा तो फोर रिमेनिंग होगा तो फोर यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने कॉलम इंसर्ट कर। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है, डिवीजन करना भी आपको आता है, सिंपल वे है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टीमेशन ऑफ नंबर। स्टूडेंट्स इस एस्टीमेशन जो नंबर्स का एस्टीमेशन, एस्टीमेशन वर्ड क्या होता है सर, एस्टीमेशन का वर्ड का मतलब समझाओ सबसे पहले। तो एस्टीमेशन होता है स्टूडेंट्स अनुमान लगाना किसी चीज का। लाइक आप एक एग्जांपल से समझे, मैंने एक मेरी मेरा कल बर्थडे था और मैंने बर्थडे में क्या किया, मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट किया। अब मैंने जितने फ्रेंड्स इनवाइट किए, मैंने बोला मैंने इनविटेशन जो दिया था स्टूडेंट्स वो 20 फ्रेंड्स को दिया था, लेकिन ओनली 18 स्टूडेंट्स ही आए मेरे बर्थडे में, और सिर्फ है ना दो स्टूडेंट नहीं आए, यानी कि वो मेरे क्लास फेल होते, मैंने उनको बहुत मैं उनको बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड मानता था, लेकिन फिर भी वो दो स्टूडेंट नहीं आए। फिर मैंने मम्मी से पूछा सडनली कि मम्मी मेरे कितने फ्रेंड्स आए जो जिन्होंने पार्टी को क्या किया, पार्टी में आए थे और मतलब सेलिब्रेशन किया था मेरे साथ, कितने फ्रेंड्स आए थे? तो मम्मी ने अप्रोक्सीमेशन में, यानी मम्मी को पता नहीं था टोटल कि तूने कितने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेशन में बोला पूरे फ्रेंड आए थे, क्योंकि उनको लगा कि हाँ लमसम 20 इसके फ्रेंड हैं और 18 आए, तो उनको लमसम लगा कि हाँ 20 आए। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही क्या होता है एस्टीमेशन ऑफ नंबर, नंबर का अनुमान लगाना कि नंबर एक अप्रोक्सीमेशन में नंबर का रिजल्ट फाइंड आउट करना, एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट को देना ही आपका क्या क्या प्रोसेस होता है एस्टीमेशन ऑफ नंबर। इसको मैं थ्रू एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल इन सीक्वेंस वाइज में कि आपको सबसे पहले एस्टीमेशंस ऑफ टेंस डिजिट हंड्रेड डिजिट एंड उसके बाद थाउजेंड डिजिट, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट सेशन में। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप क्लियर करें इसको, और जितना पोर्शन मैंने आपको नोटबुक में राइट डाउन करने के लिए बोला है उतना राइट डाउन नोटबुक में करना है, बाकी मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन किया है, इट इज़ सफिशियंट टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।